नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। आइए डालते हैं एक नजर यूपी की सभी छोटी बड़ी खबरों पर। पेट्रोल पंप कर्मी से लूट कांड का पर्दाफाश, 3 साथी लुटेरे गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में पेट्रोल कर्मी से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए साथी लुटेरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 4 दिन पूर्व थाना उगैती क्षेत्र के देव पेट्रोल पंप कर्मी राम खिलाड़ी यादव व चौकीदार राजपाल से दिन दहाड़े हुई लूट का पुलिस ने आज खुलासा कर लूटी गई धनराशि बरामद कर 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि पेट्रोल पंप कर्मी राम खिलाड़ी यादव व चौकीदार राजपाल हर रोज की तरह बिक्री का पैसा लेकर SBI शाखा बिलसी में जमा करने को जा रहे थे कि ग्राम पिंडोल थाना बिलसी के पास स्थित DKB इंटर कॉलेज के पास अज्ञात मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने असलहों के बल पर रुपए से भरा बैग जिसमें 2 लाख रुपए थे को लूट लिया था तथा बिलसी की तरफ फरार हो गए थे। इस संबंध में SSP बदायूं डॉक्टर OP सिंह ने क्या कुछ कहा, देखें इस खास रिपोर्ट में। तो 30 नवंबर को बिलसी थाना अंतर्गत बिलसी और मुजरिया का जो मार्ग था उस पर एक पेट्रोल पंप से उसके कर्मचारी 2 लाख रुपए बैंक में जमा कराने के उद्देश्य से लेकर के जा रहे थे तो रास्ते में बदमाशों ने उनसे वो लूट लिया था। इस पे हमारी स्वाट टीम बिलसी इंस्पेक्टर और SPRA और वहाँ के CO साहब लगे हुए थे। इन लोगों ने वर्कआउट किया, लग करके इन्वेस्टिगेशन किया सर्विलांस के माध्यम से और जो लोकल इन्फॉर्मेशन थी उसके माध्यम से और कंप्लेनेंट ने जो मोटरसाइकिल का खुलिया बताया था नंबर प्लेट का विशेष रूप से उसके आधार पे ये खुलासा हुआ और इसमें जो लोग घटना में संलिप्त थे उसमें से 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। 2 अभी शेष हैं जिनको अरेस्ट किया जाना है। इनसे 1,02,000 रुपये और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिलें और असलहे बरामद कर लिए गए हैं। शेष जो राशि है वो अभी अभियुक्त हैं, उसमें हमारी टीम लगी हुई है। जो शेष 2 अभियुक्त हैं उनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी करके जो शेष लुटी गई राशि है उसकी बरामदगी की जाएगी और इन लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इनके आपराधिक इतिहास भी हैं, इस आपराधिक इतिहास के आधार पे गैंगस्टर एक्ट के अंदर जो प्रोविजन है उसके तहत अब आगे की हम कार्रवाई करेंगे। 14(1) के तहत इन्होंने जो संपत्ति अर्जित की होगी उसको कुर्क करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे।